नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विकी। आप देख रहे हैं आर्ट वाला हार्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी पर्टिकुलर नेचुरल फ़ोटो में कितनी लाइट देना चाहिए और उसमें किस टाइप्स की लाइट आ सकती है, और हम फोटोशॉप में कैसे एडिट करेंगे उसको, और स्टूडियो में नॉर्मल वे में कैसी फ़ोटो देना चाहिए। ये चीज़ स्टूडियो के हिसाब से मैं चीज़ें समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। फोटोशॉप में आज देखेंगे कि ये चीज़ कैसे काम करती है। उससे पहले बता दूं कि अभी तक आपने हमारा चैनल आर्ट बालाघाट का सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा दी जाने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। अब हम बात करेंगे, काफ़ी दिनों के बाद ट्यूटोरियल आ रहा है। इसकी वजह है कि मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से मैं बिल्कुल भी वीडियोस नहीं बना पा रहा था, पर कोशिश करूंगा जल्द से जल्द ठीक हो सकूं और ट्यूटोरियल कंटिन्यू कर सकूं। तो देख लेते हैं, यहां से मैं फ़ोटो को सिंगल क्लिक में ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा फोटोशॉप सीसी में। यहां से देखेंगे, इस वाली फाइल को ऐसे ही रहने देने वाला हूँ। यहाँ से इसको सिंगल क्लिक में ड्रैग करेंगे तो इसकी कॉपी बन जाएगी, और इस कॉपी पर मुझे वर्क करना होगा। सबसे पहले आपको इमेज में आना है। यहाँ ऑटो ट्यून, ऑटो कंट्रास्ट दोनों बटन है। यहाँ से क्लिक करूँगा तो देखेंगे ये कुछ इस तरह से फोटो हो जाएगी, जबकि ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, तो इसको कंट्रोल जेड कर दूंगा मैं। और यहाँ पे ऑटो कंट्रास्ट में जैसे ही क्लिक करूँगा देखेंगे ये चीज़ सुधर तो गई है, लेकिन कंट्रास्ट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, इसलिए यहाँ फेड ऑटो कंट्रास्ट में आऊँगा, क्लिक कर दूँगा और इसको कुछ कम कर देता हूँ। जैसे ही कम कर दूँगा ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ से मैं ब्राइटनेस में आऊँगा और इसको ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा दूँगा। ओके क्लिक कर दिया, इधर आऊँगा, लेवल में आऊँगा और यहाँ से इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना है। ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये चीज़ हो गया और ओके क्लिक कर दिया। अब आपको एक और काम करना है इसमें, वह काम ये होगा कि इधर आएंगे और यहाँ पर सिलेक्टिव कलर ओपन करेंगे। देखेंगे सिलेक्टिव कलर आपको कहाँ मिलेगा, ये चीज़ यहाँ मिल जाएगी। और यहाँ पर बारी बारी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ से डिफ़ॉल्ट रहने देने वाला हूँ इसको, और यहाँ से इधर ब्लैक में आऊँगा और यहाँ से इसको बढ़ाऊँगा थोड़ा सा, और ये इसको थोड़ा सा कम और थोड़ा सा डार्क कर दूँगा, +2, और बस इतना हो गया। अब यहाँ से मैं येलो कलर पे आऊँगा और यहाँ से येलो कलर को थोड़ा सा सेट करूँगा अपने हिसाब से। देखेंगे यहाँ पर मैं अपनी सुविधा अनुसार सेट कर रहा हूँ इन चीज़ों को, आप अपनी फ़ोटो के अनुसार इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये -1 ये काफ़ी है, और यहाँ से मैं इसको रेड कलर मिला के ये यहाँ से थोड़ा सा इसको बढ़ा दूंगा मैं, बस इतना काफ़ी है, और ओके क्लिक कर दूंगा। और यहाँ से कंट्रोल M का बटन दबाऊंगा या फिर इधर आके यहाँ क्लिक कर दूंगा और इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, बस इतना काफ़ी है, ओके क्लिक कर दिया। और आप देखेंगे कि पहले के मुकाबले चीज़ पहले ऐसी थी और अब ऐसी हो गई। तो ये दोनों ही चीज़ में अंतर कहाँ है, ये चीज़ डल है थोड़ी सी, इसके ऊपर एक अलग सा डार्क सा वो लगा हुआ है जो कि सही नहीं लग रहा है। इस फोटो में आप देखेंगे कि ये 100% सही तरीके से काम कर गया है। देखेंगे यहाँ से, और इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ब्राइटनेस इसको थोड़ा एडजस्ट करना है, तो इस वाले लेयर पे रहते हुए यहाँ पर आएंगे और इस वाले लेयर को ये वाले लेयर पर आएंगे, इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, फ्लो को भी कम कर देंगे, और यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ अल्टर दबा के रखेंगे और सिलेक्ट करेंगे, और देखेंगे कि ये चीज़ सेट होने लगी। देखेंगे ये चीज़ काम कर गई, और इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें और की जा सकती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ किसी भी नॉर्मल वे में बिल्कुल बेसिक तरीके से अगर आपको यूज़ करना है इन चीज़ों को, तो इतने सिंपल स्टेप्स होते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ की जाती है, यहाँ पर इसको ग्रुप में आ गया था सॉरी, यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर लेवल में क्लिक करके इसको बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे सॉफ्ट लाइट में क्लिक करूँगा इसको, सॉफ्ट लाइट में तो देखेंगे ये लाइट कुछ इस तरह से हो गई। तो इसका भी यूज़ आप यहाँ पर कर पाएंगे मुझे लगता है। यहाँ से मैं क्लिक कर दूँगा इसको, सॉरी लिंक रखना था मुझे, और यहाँ डबल क्लिक करके इसको लाइट को बढ़ा भी सकता हूँ मैं। ये देखेंगे आप, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से इतना लाइट बढ़ा दूंगा तो देखेंगे इतना चेंजेस इसमें देखने को मिलेगा। थोड़ा थोड़ा ही फोटोशॉप की एक चीज़ होती है, ये चीज़ें तब काम करती है, इसको मर्ज कर दूंगा कंट्रोल से सिलेक्ट करके। फोटोशॉप में चीज़ें थोड़ी ही थोड़ी काम करती तो ही अच्छे से फिनिशिंग और आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। किसी भी चीज़ को हाई डेफिनेशन में बढ़ाओगे वो चीज़ सही तरीके से काम तो करेगी, पर वो आपके लिए बेस्ट नहीं हो सकता मेरी समझ से। बाकी और चीज़ों को डिस्कस करेंगे, स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण बस मैं चीज़ों को नहीं
एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ और ट्यूटोरियल थोड़े लेट होंगे, पर कोशिश करूँगा कि अपना बेस्ट दे सकूँ। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे आके मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। कोई चीज़ पढ़नी हो, हिंदी में आर्टिकल समझने हो, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम और वेबसाइट का चेक ज़रूर करें। मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हो तो व्हाट्सअप करें या कमेंट करो, कोई सवाल जवाब होता है तो। फिलहाल के लिए यही चीज़ थी। व्हाट्सअप नंबर आपको कई सारी वीडियोस के नीचे मिल जाएगा। कोशिश रहती है कि मैं आपसे बात कर सकूं या इंस्टाग्राम पे बात कर पाएंगे। तो बस यार, आज के लिए सिर्फ इतने। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस कर लो बेल आइकन को, ताकि मेरे द्वारा दी जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। फिलहाल के लिए यही चीज़ थी। थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम।